टिकटॉक के बैन के बाद जितने भी लोग बहुत ज़्यादा दुखी थे, जिन लोगों के पास बनाने के लिए कुछ नहीं था, जो अपने आप को बेरोज़गार समझ रहे थे, और इंटरनेट वाले लोग उन्हें कमेंट कर करके बोल रहे कि भाई तू बेरोज़गार है, भाई तू बेरोज़गार है, भाई तू बेरोज़गार है, क्या कर रहा है, जिसका दुख मैं समझ सकता हूँ, काफ़ी जगह पर दर्द हुआ है उनके। तो यार उन सभी लिए बहुत बड़ी न्यूज़ है कि यार तुम्हारे भाई ने बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद एक तरीका ढूंढा है जिससे तुम बैन के बाद भी टिकटॉक को इंस्टॉल कर सकते हो और यूज़ कर सकते हो। तो वीडियो को आखिर तक देखना, मैं तुम्हें बताऊंगा कि टिकटॉक को डाउनलोड कहाँ से करना है। तुम्हारे फ़ोन में ऑलरेडी टिकटॉक इंस्टॉल है तो सबसे पहले जाके उसे अनइंस्टॉल कर दो, उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि उसको इंस्टॉल कैसे करना है। तो यार जिनके भी दिल जिगर गुर्दे दिमाग में टिकटॉकर लिखा हुआ था, तुम्हारे लिए एक बहुत ज़्यादा अच्छी न्यूज़ है। छोटा ना कीजिए, सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाइए, वहाँ पर जाकर लिखिए टिकटॉक। तो यार जैसा कि आप वहाँ पे जाके देखेंगे, आपको टिकटॉक नहीं मिलेगा क्योंकि सरकार ने उसे बैन कर दिया। तो सबसे पहले सर्च बार पे जाइए, वहाँ पे क्लियर कर दीजिए और वहाँ पे लिखिए TATTI TOK टट्टी टॉक। तो यार इसको देख के अपना दिल छोटा ना कीजिए, हिम्मत हारने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे जैसे ही आप टट्टी टॉक लिखेंगे वैसे ही आपको टिकटॉक मिल जाएगा, तो कोई मसला नहीं है, वहाँ पे जाके आपको सीधा इंस्टॉल कर देना है। ट्रिक स्टार्ट होती है इसके बाद, जैसे ही आप अपने होम स्क्रीन पे जाइए, अपने टिकटॉक को लोकेट करिए एंड उसके बाद आप अपने टिकटॉक पर क्लिक कीजिए। और जैसे ही आप टिकटॉक पर क्लिक करेंगे, निकल पहली फुर्सत में निकल, पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। लेकिन नहीं, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे। तो यार कैसे हो आप सब, आई होप यू आर डूइंग फाइन। क्योंकि यार इस 2020 ने ना हम सबकी लगा रखी है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी स्पेशली ज़्यादा लगा रखी है इन्होंने। वैसे तो तीसरे चौथे महीने तक हमें निपट जाना चाहिए था, लेकिन यार गनीमत तो ऊपर वाले की अभी तक टिके हुए हम। यार हमारी सरकार ने हमें छोटी सी खुशी दी थी कि यार उन्होंने टिकटॉक बैन कर दिया था, बाकी चाइनीज़ ऐप बैन कर दिए थे, लेकिन यार ये खुशी ज़्यादा दिन टिकी नहीं क्योंकि CBSE वालों को हमारी खुशी हजम नहीं होती, हमारी सरकार को हजम नहीं होता कि उनके जितने भी बच्चे हैं, जो उनका फ्यूचर है, जिनको वो कहते हैं कि यार हमारे देश का फ्यूचर, हमारे देश के बच्चे हैं, उनकी खुशी उनसे देखी नहीं जाती। एंड उनकी खुशी क्या है, उनकी खुशी में इन्होंने आग कैसे लगाई, उनकी खुशी में इन्होंने आग कैसे लगाई, ऐसे लगाई उन्होंने आग कि यार CBSE बोर्ड के रिजल्ट आने वाले हैं 15 तारीख को, आज है 10 तारीख एंड यू नो इट वेल, एंड ये बोल रहा है एक भड़का हुआ बोर्ड का स्टूडेंट। तो यार बात बस इतनी सी है कि यार CBSE वालों ने हमारी वैसे ही लगा रखी है, ऊपर से पता नहीं क्या फूक के इन्होंने पेपर सेट किए हुए थे। तुम सबको पता है, जितने भी बोर्ड के स्टूडेंट थे उन सबको पता है उनके पेपर कैसे आए थे, और पता नहीं चेकिंग इन्होंने कैसी करी है, और यार हमसे पता नहीं काहे की दुश्मनी निकलवाते हैं यार ये। तो यार बीच में एक फेक न्यूज़ फैली थी और वो इतने जल्दी फैल गई और इतनी ज़्यादा फैली कि यार CBSE तक पहुँच गई। एंड द फेक न्यूज़ वॉज कि यार क्लास 10th के और क्लास 12th के रिज़ल्ट जो रिलीज डेट है उससे पहले आ रहे हैं। क्लास 12th के आ रहे हैं 11 तारीख को 4 बजे एंड क्लास 10th के आ रहे हैं 13 तारीख को 4 बजे, एंड 4 बजे का क्या पंगा था मेरे को नहीं पता। और ये किसने फेक एडिटिंग करी है ना यार, मतलब क्या पंगा है यार ये तुम्हारा, मतलब कि एक तो यार वैसी फटी पड़ी है, एंड हाँ रीज़न तो यही है, रीज़न एक्चुअली यही है कि यार ये जो भी हमारा ये जो फेक न्यूज़ इतनी वायरल हुई ये इसलिए थी क्योंकि यार किसी को एक्साइटमेंट नहीं है यार, खौफ है सबको यार, ज़िंदगी में आग लगने वाली, सबको पता है उनका एग्जामिनेशन कैसा गया है, उन्होंने बोर्ड में कैसी परफॉर्मेंस दी है, सबको पता है यार इस बात का, एंड इसलिए सारे स्टूडेंट की फटी पड़ी थी। और जैसे ही ये रिज़ल्ट आया सबकी सैड स्टोरी है, सारे सैड कोटेशन, ज़िंदगी भर में जितने सैड कोटेशन लोगों ने डाले थे ना वो सारे उन्होंने स्टोरी पे लगा दी और वो पर्चा चिपका दिया, पर्चे पे लिखा हुआ है हम CBSE वाले आपकी कंसर्न को समझते हैं, जितने भी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स अपनी कंसर्न दिखा रहे हैं और जिनको भी कॉलेज डेट और अब्रॉड मतलब कि व्हाटसएवर जो भी है उसकी आपकी जो डिले हो रही है हम उसको समझते हैं और हम रिज़ल्ट को जितना जल्दी कर सकें उतना जल्दी हम रिलीज़ करने की कोशिश करेंगे। तो यार देखो हमें कोई भी जल्दी नहीं है रिज़ल्ट आने की, अगर CBSE वालों तुम ये वीडियो देख रहे हो हमें रिज़ल्ट की कोई जल्दी नहीं है, नहीं दोगे तो भी चलेगा, और बाकी जितने भी एग्जामिनेशन है तुम पोस्टपोन कर सकते हो, हमें कोई जल्दी नहीं है। मेरे को तो स्पेशली कोई जल्दी नहीं है यार, क्योंकि यार लॉकडाउन में स्कूल हमें वैसे भी जाने मिलेगा और मैं नहीं चाहता कि मेरे स्कूल के एक्सपीरियंस घर पर जाके ख़राब हो। वालों तुम्हारी स्टूडेंट से क्या दुश्मनी है यार, हमने तुम्हारा क्या लेके खा रखा है यार, मतलब हमने तो कुछ नहीं दिया, मैंने तो देखो पर्सनली तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, मैंने तो पूरे साल कॉपी बना के दी तुम्हें, पूरी प्रोजेक्ट फाइल बना के दी ना तुम्हें, तुम सालों उसके नंबर भी नहीं दोगे यार। एक तो यार इन्होंने ये पंगा निकाला क्योंकि यार इंटरनल के नंबर इस साल किसी को नहीं मिलने वाले, ऐसा मेरे स्कूल के ग्रुप में आया था, उन्होंने लिखा हुआ था कि द रिजल्ट ऑफ क्लास 10th एंड 12th स्टूडेंट्स विल बी प्योरली बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस ऑफ देयर बोर्ड एग्जामिनेशन। इसका मतलब यही है कि जो भी तुमने बोर्ड में किया है, जो मैंने बोर्ड में किया है, मेरे को पता है मैंने बोर्ड में क्या किया है, एंड
सिर्फ बोर्ड के एग्जामिनेशन जो थे उसके ऊपर हमारा रिजल्ट बेस्ड होगा, मतलब कि इंटरनल के नंबर हमें नहीं मिलने वाले, जो हमने कॉपियां बनाई, जो हमने प्रोजेक्ट फाइल बनाई, जो हमने असाइनमेंट दी, जो अटेंडेंस दी, क्लास में डिसिप्लिन बना के रखा है, एंड जितनी भी एक्टिविटीज वगैरह थी हमने पार्ट लिया, उसका मार्क कोई मार्क्स नहीं मिलने वाला, नॉट अ सिंगल नंबर। ऊपर से यार इनकी रिलीज डेट एक तो चेंज होती रहती है, बीच में फेक न्यूज़ आई कि यार 11 को होगा, फिर 13 को होगा, और जो पक्की है ये फेक न्यूज़ थी यार, बंदर पता नहीं फेक न्यूज़ फैला कैसे रहे हैं। हाँ भाई स्टूडेंट ही हो ना, अगर यार ये कोई बंदा स्टूडेंट है जो ये फेक न्यूज़ फैला रहा है, कसम से यार इसके घर जा के मारो यार, अगर किसी को भी पता है इसके घर जा के मारो, क्योंकि यार इसने यार एक तो पहले फटी हुई थी हमारी, इसने और फाड़ दी। तो यार नहीं चाहिए यार तुम्हारे इंटरनल के नंबर, मत दो रिजल्ट, रिजल्ट ही मत दो यार, कैंसिल करो, पास कर दो वैसे ही, बस यार सब्जेक्ट दिलवा देना, मेरे को वैसे भी साइंस लेनी है, ठीक है। निकलता है कि यार वो फेक न्यूज़ भले ही थी, हमारा रिजल्ट एक आध दिन पहले नहीं एक आध दिन बाद आ जाए, लेकिन यार उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि यार CBSE वालों को ज़िंदगी में आग लगानी है, वो रिज़ल्ट निकाल के ही हमारी ज़िंदगी में आग लगा देंगे। तो यार ये कोई रोस्ट वीडियो नहीं थी, ये कोई मैं CBSE वालों को कुछ नहीं कर रहा यार, ये मेरी खुद की पर्सनल फ्रस्ट्रेशन है, मैं इसलिए व्लॉग बना रहा हूँ क्योंकि मैं खुद फ्रस्ट्रेटेड हूँ अपने रिज़ल्ट को लेके, क्योंकि यार मैंने जो हिसाब लगाया था ना वो हिसाब बनने ही नहीं वाला यार, जो मैंने हिसाब लगा के सोचा था ना कि यार मेरे इतने नंबर आ जाएंगे, मैं इंटरनल में इतने कर दूंगा, एंड एक्सटर्नल में जो मेरे एग्जामिनेशन होंगे वो मैं इतना कर दूँ, एंड जो टोटल परफॉर्मेंस होगी वो इतनी आ जाएगी और मेरी परसेंटेज बन जाएगी, लेकिन यार ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि इंटरनल के नंबर ये दे नहीं रहे हैं, पता नहीं क्यों, या प्री डिटरमाइंड नंबर इनको देने में पता नहीं क्या इनकी कौन सी मौत आती है यार इन्हें। तो यार अगर तुम भी फ्रस्ट्रेटेड हो यार प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को यार तुम शेयर कर देना, कमेंट करके बताना कि यार क्या तुम अग्री करते हो, या तुम्हें एक्साइटमेंट है, या तुम्हें वेट है अपने रिजल्ट आने का, क्योंकि यार मेरे को पर्सनली कोई वेट नहीं है, मेरे को कोई इंतज़ार नहीं है, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि यार ये CBSE वाले रिजल्ट दें चाहे ना दें, क्योंकि यार ये साल अपना वैसे भी जाने वाला है। वैसे ही इस टाइप की वीडियो मैं अपने चैनल पर नहीं डालता हूँ, लेकिन यार डालनी पड़ी मेरे को। तो यार अगर तुम्हें मेरी और वीडियोज़ देखनी है तो यार तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, एंड उसके बगल में नोटिफिकेशन बेल होगी, उस नोटिफिकेशन की बेल को दबा देना, क्योंकि अभी लगातार मेरे व्लॉग्स आने वाले हैं। मैं अपना CBSE रिज़ल्ट जिस दिन रिलीज़ होगा उस दिन का पूरा व्लॉग तुम्हें बना के दूंगा यार, बस कमेंट करके बता देना। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, एंड वैसे भी यार आजकल गर्मी बहुत है, वैसे भी गर्मी बढ़ेगी, क्यों बढ़ेगी, क्योंकि रिज़ल्ट का दिन पास आता जा रहा है। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय। मेरे को बस यही कहना था कि यार इंस्टाग्राम वालों ने ना अच्छा नहीं किया यार, मार्क ज़करबर्ग भैया यार तुमने रील का ऑप्शन दे दिया ना, मेरे जो फीड है ना उसमें टिकटॉक ही टिकटॉक आ रही है, क्यों क्यों यार मार्क ज़करबर्ग भैया तुम्हारी मार्केटिंग स्किल अच्छी है मैं मानता हूँ, लेकिन यार इंस्टाग्राम को टिकटॉक करना अच्छी बात नहीं है, पाप लगेगा पाप।